नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द स्पीड ऑन रॉक सर में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग जो है, जो हमारी पॉलिटी की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पोस्टमार्टम क्लास चल रही है, उसको जो है आज उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। और हमारी पहले भी कई भाग पढ़ चुका है, पॉलिटी का है, स्टैटिक जीके का है और हिस्ट्री का है, तो वो सारे पार्ट आप अगर नहीं देखें देख लीजिए, आपको निश्चित ही फ़ायदा मिलेगा। इसमें जो है आज हम लोग सेकेंड पार्ट में कल 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज उसके आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लिखा हुआ है कि चंद्रयान 1 के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। चंद्रयान 1 जो था उसके विषय में हमको विचार करना है, क्या था कि यह भारत का पहला मानव रहित चंद्र मिशन था, इसे चंद्रमा पर पानी का प्रमाण मिला। तो इसमें हमको ये बताना है कौन सा सही है। तो ऑप्शन अगर हम देखें तो केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, दोनों सही है। तो जो सही ऑप्शन होगा, अर्थात चंद्रमा पर जो पहला चंद्रयान फर्स्ट गया था, वो जो है मानव रहित चंद्र मिशन था, सही है, और इससे जो है चंद्रमा पर पानी का प्रमाण मिला। तो अर्थात दोनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगर इसका पोस्टमार्टम किया जाए तो यह भारत का एक मानव रहित चंद्र मिशन था, इसे चंद्रमा पर पानी का प्रमाण मिला, इसने स्थलाकृत गड्ढे, ध्रुवीय क्षेत्रों और चंद्रमा के वातावरण का भी अध्ययन किया। इसरो अब चंद्रयान 2 पर काम कर रहा है, जो 2018 में लांच किया जाएगा। अर्थात कि चंद्रयान 2 जो है लांच किया जा चुका है 2018 में, ठीक। तो ये पॉइंट जो है अब बदल गया है, अर्थात किया जाएगा नहीं, किया गया है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। चलिए देखते हैं कौन सा कथन गलत है। भूस्थिर उपग्रहों की दिशा में कक्षा प्रक्षेपित किया जाता है जिस दिशा में पृथ्वी घूम रही है, तो मतलब जो भू स्थैतिक उपग्रह हैं उसे उसी दिशा की कक्षा में मतलब प्रक्षेपित किया जाता है जिस दिशा में पृथ्वी घूम रही है, सही ऑप्शन है, सही है ये। आगे लिखा है भू स्थैतिक कक्षा भूमध्य रेखा के समतल पर स्थित है, ये भी सही है हमारा। आगे देखें, भू स्थिर या भूतुल्यकालिक, ठीक, भू स्थिर या भूतुल्यकालिक पृथ्वी कक्षाओं को प्राप्त करने के लिए एक अंतरिक्ष यान को पहली बार जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO में लॉन्च किया जाता है, ये भी ऑप्शन हमारा सही है। अगला है GSAT-30 ओडिशा से एक संचार उपग्रह लॉन्च किया गया है, ये हमारा जो है गलत ऑप्शन है। तो इसमें हमको बताना था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो गलत ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो जाएगा। अगर हम बात करें GSAT-30 की, तो वो क्या चीज़ है, देखिए GSAT-30 जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा GSAT-30 को कोरू लॉन्च बेस फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया था, मतलब जो इसमें उड़ीसा लिखा है उड़ीसा से नहीं लॉन्च किया गया था, GSAT-30 को फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया था। भूस्थैतिक कक्षा को उसी दिन में कक्षा में लॉन्च किया जाता है जैसे पृथ्वी घूम रही है, मतलब जिस प्रकार पृथ्वी घूम रही है उसी तरह जो है उसी दिशा में जो है भूस्थैतिक कक्षा को लॉन्च किया जाता है, और इसमें कोई झुकाव हो सकता है, मतलब कि इसमें झुकाव भी हो सकता है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भूमध्य रेखा के समान समतल पर स्थित है, ये भी हमारा सही है। आगे देखें तो स्टेशनरी जियोसिंक्रोनस पृथ्वी की कक्षाओं को प्राप्त करने के लिए एक अंतरिक्ष यान को पहली बार जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर यानी कि GTO में लॉन्च किया जाता है। GTO से अंतरिक्ष यान को उसके इंजन का उपयोग करके भू स्थैतिक या जियोसिंक्रोनस कक्षा में स्थानांतरित किया जाता है। चलिए हम आगे देखते हैं, ये भी क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया है। जैसे ये क्वेश्चन हमारा सिविल सर्विसेज में पूछा गया था, क्या है देखते हैं, निम्नलिखित में से किन कार्यकलापों में भारतीय दूर संवेदन यानी कि IRS उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। पहला है फसल के आकलन में, दूसरा है भौम जल संसाधनों के निर्धारण में, अगला है खनिजों के अन्वेक्षण में, अगला है दूर संचार में, अगला है यातायात अध्ययन में। तो इसमें हमको ये बताना है कि सही कौन सा है, तो चलिए हम देखते हैं कि कौन सा सही है। तो जो हमारा मतलब तीनों ऑप्शन यानी कि जो 1, 2 और 3 हैं ये हमारे सही होंगे, यानी कि अभी देखिए लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखा है कि भारतीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली
ठीक, IRNSS के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। लिखा है IRNSS में भूगर्भ में 3 उपग्रह हैं और भू समकालिक कक्षाओं में 4 उपग्रह हैं। IRNSS में पूरे भारत और इसकी सीमाओं से परे लगभग 5500 वर्ग किलोमीटर को कवर करता है। भारत के पास 2019 के मध्य तक पूर्ण वैश्विक कवरेज के साथ अपना उपग्रह नेविगेशन सिस्टम होगा। इसमें हमको कूट दिया गया है, मतलब इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्थात केवल एक सही है, बाकी सभी गलत हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। लिखा है भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के एक परिचालन नाम के साथ एक स्वायत्त क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है जो सटीक वास्तविक समय की स्थिति और समय सेवाएं प्रदान करती हैं। वहीं हम आगे देखें तो भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के एक परिचालन नाम के साथ एक स्वायत्त क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है जो सटीक वास्तविक समय की स्थिति और समय सेवाएं प्रदान करती हैं। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि IRNSS श्रृंखला के उपग्रह का प्रक्षेपण निम्न का उपयोग शुरू कर दिया गया है। तो किसका उपयोग शुरू किया गया है ये हमको बताना है। तो हमारा जो PSLV है, PSLV अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो देखें तो क्या हो जाएगा कि लिखा है कि अंतरिक्ष खंड 7 उपग्रहों से बना है, भू स्थिर कक्षा में 3 उपग्रह और भू समकालिक कक्षा में 4 उपग्रह इक्वेटोरियल समतल में 29 डिग्री के झुकाव पर स्थित है। सभी का प्रक्षेपण PSLV रॉकेट द्वारा किया गया है, मतलब अब जो प्रक्षेपण किए जाते हैं वो PSLV के द्वारा किए जाते हैं। अभी जो चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था वो भी PSLV M3 से किया गया था। तो देखिए अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, आपको इस चैनल पर उपयोगी चीज़ें मिलती रहेंगी। आगे देखिए एक चीज़ और कि भूमंडल के सभी स्तरों की ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में कमी होती है। जेट विमान वायु प्रवाह के संवहन के कारण उत्पन्न विक्षोभ से बचने के लिए क्षोभ सीमा से नीचे उड़ते हैं। इस पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंगे आयनमंडल द्वारा पृथ्वी पर पुनः परावर्तित हो जाती हैं। तो इसमें हमको ये बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। चलिए देखते हैं, कथन एक जो है हमारा क्या है, कथन एक हमारा गलत है। और कथन एक में क्या होना चाहिए हमारा, लिखा है क्षोभ मंडल वायुमंडल का सर्वाधिक निचला स्तर है, अर्थात सबसे नीचे क्षोभ मंडल होता है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, इसका विस्तार ध्रुवों के पास 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर होता है। और देखें तो मौसम संबंधी सभी घटनाएं किसमें होती हैं, क्षोभ मंडल में, अर्थात आंधी तूफान बारिश ओला जितना भी होता है ये सब हमारा क्षोभ मंडल में होता है। इस परत में प्रत्येक 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर 1 अंश सेंटीग्रेड तापमान कम होता है, अर्थात आप 165 मीटर ऊंचाई पर जाएंगे तो 1 अंश सेंटीग्रेड कम हो जाएगा तापमान, फिर 165 जाएंगे तो फिर 1 अंश सेंटीग्रेड कम हो जाएगा। अगला अगर देखें दूसरे में तो समताप मंडल की ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि होती है, अर्थात ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान में वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। तापमान संस्करण के कारण समताप मंडल में अल्प संवहन और मिश्रण होता है, यही वायु की परत अत्यधिक स्थिर होती हैं जो जेट विमान विक्षोभों से बचने के लिए निचले समताप मंडल पर उड़ते हैं। ठीक, जो कथन 3 है हमारा वो सही है। कथन 3 क्या था, आयन मंडल मध्य सीमा से ऊपर 80 से 400 किलोमीटर के मध्य स्थित है। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन के रूप में जाना जाता है। इनकी अवस्थिति के कारण इसे आयन मंडल के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंगें इस परत के द्वारा पृथ्वी पर पुनः परावर्तित कर दी जाती हैं। इस परत में पुनः ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होने लगती है। तो ये चूंकि देखिए शुरू के जो 4-5 क्वेश्चन हैं हमारे वो थोड़ा UPSC लेवल तक के भी हैं, तो इसलिए आप परेशान मत होइएगा, आप पहले एक बार वीडियो पूरा देखिएगा, मेरे कहने से आप एक बार पूरा देखिएगा। अगर आपको फ़ायदा ना हो तो आज के बाद मेरा कोई भी वीडियो आप मत देखिएगा, ये मैं गारंटी करता हूँ।
अगला लिखा है कि निम्नलिखित में से भारतीय कौन सा भारतीय उपग्रह है जो सोवियत संघ रूस द्वारा लॉन्च किया गया था। तो पहला भारतीय उपग्रह हमको ये बताना है कि कौन सा पहला भारतीय उपग्रह है जिसको सोवियत संघ रूस के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो वो हमारा है रोहिणी उपग्रह, जो वो रोहिणी नहीं सॉरी गलत हो गया, यानी कि आर्यभट्ट उपग्रह जो है इसको जो है सबसे पहला उपग्रह था जो रूस के द्वारा लॉन्च किया गया था। और कब लॉन्च किया गया था, देखिए भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट बनाया गया था जिसे 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ ने लॉन्च किया था। पहला भारत निर्माण प्रक्षेपण यान SLV-3 था। इसका उपयोग 1980 में रोहिणी उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए किया गया था। वहीं अगर हम आगे देखें तो 1988 में पहला संचार उपग्रह इनसैट था। तो अगर क्वेश्चन बने कि पहला संचार उपग्रह कौन सा था, तो पहला संचार उपग्रह हमारा इनसैट था। वहीं हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं, लिखा है कि एक मिनट रुक जाइएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अंतरिक्ष में चलने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। अंतरिक्ष में कौन सा व्यक्ति था जिसने पहली बार अपना कदम रखा था, चला था। तो वो रूस के कोल लियोनर हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में पहली बार चला था। आगे देखिए तो लिखा है निर्भय मिसाइल की मारक क्षमता क्या है। निर्भय मिसाइल की मारक क्षमता क्या है, तो निर्भय मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो कितनी है, 1000 किलोमीटर है। वहीं अगर देखें तो देखिए CGL में भी पूछा गया है क्वेश्चन, कौन सा देश सबसे बड़ा एकल क्षेत्र वाला रेडियो टेलीस्कोप फास्ट बनाने की प्रक्रिया में लगा है। तो देखिए जो रेडियो टेलीस्कोप फास्ट बनाने की प्रक्रिया में लगा है वो कौन सा देश जो है लगा है, तो हम बताएंगे इसको, जो हमारा चीन है, चीन इस पर पूरी तरीके से काम कर रहा है। द 500 मीटर एपरेचुअल स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप इज रेडियो टेलीस्कोप, मतलब जो चीन है वो इस पर कार्य कर रहा है, एक प्रकार से आप ये जान सकते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम स्वीटनर नहीं है। कृत्रिम स्वीटनर नहीं है ये बताना है हमको कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम स्वीटनर नहीं है, तो वो हमारा है फर्कटोज। फर्कटोज जो है हमारा वो कृत्रिम स्ट्रेनर नहीं है। फिर अगला देखिए इसी में कि फ्रक्टोज एक कृत्रिम स्वीटनर नहीं है, या एक सरल कीटोनिक मोनोसाइड पौधे में पाया जाता है जो अक्सर ग्लूकोज से जुड़ा होता है, और इसका निर्माण जो है फ्रक्टोज की खोज जो की गई थी 1847 में फ्रांसीसी रसायनज्ञ, फ्रांस के जो रसायन शास्त्री थे ऑगस्टिन पियरे डब्रूनफुत, फिर से देखिए ऑगस्टिन पियरे डब्रूनफुत ने की थी। फ्रक्टोज का नाम 1857 में अंग्रेजी रसायनज्ञ विलियम मिलर द्वारा गढ़ा गया था। वहीं आगे देखें कौन सी रक्त वाहिकाएं हृदय से विभिन्न अंगों में रक्त पंप करती हैं, अर्थात हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में जो रक्त का ले जा मतलब रक्त ले जाया जाता है वो कौन ले जाता है, तो जो धमनियां होती हैं, धमनियां हमारी हृदय से जो है विभिन्न अंगों में रक्त ले जाती हैं। और वहीं अगर सिरा की बात करें तो सिरा विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त जो है हृदय को पहुंचाता है, तो धमनियां शुद्ध रक्त लेकर जाती हैं और सिरा हमारा अशुद्ध रक्त लेकर जाता है। ठीक, ये वही चीज़ लिखी हुई है। आगे देखिए बायोएट्रिक सर्जरी किस व्यक्ति के डॉट डॉट में परिवर्तन करती है। तो जो बैरिएट्रिक सर्जरी होती है वो किस लिए होती है, तो जो बैरिएट्रिक सर्जरी होती है वो हमारी पाचन तंत्र के लिए की जाती है। बैरिएट्रिक सर्जरी किसके लिए, पाचन तंत्र के लिए की जाती है। वहीं देखिए तो वाष्पोत्सर्जन और संघनन की संयुक्त प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। वाष्पोत्सर्जन और संघनन की प्रक्रिया को आसवन कहते हैं। क्या कहते हैं, आसवन कहते हैं। वहीं हम आगे देखें तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग अस्पतालों में घाव और सिरिंज को स्टरलाइज करने के लिए एक एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। तो देखिए जो एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है वो एथिल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, एथिल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। देखिए त्वचा की सतह या घावों से संबंधित उपकरण जो होते हैं, जो जीवाणु
को हटाया जाता है जिससे जीवाणु नष्ट होते हैं वो कौन से हैं, वो एथिल अल्कोहल अर्थात शराब होती है हमारी। तो शराब का मतलब ये मत सोचिएगा कि शराब ही यूज कर लिया जाए, एथिल अल्कोहल में मतलब मैक्सिमम मात्रा एथिल अल्कोहल की होती है। अभी आप जान रहे होंगे कोरोना जो है वायरस चल रहा है और पूरी तबाही के साथ जो है बढ़ रहा है, और उसके लिए भी देखिए सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जाता है, और राय दी जाती है कि उसी सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जाए जिसमें 95% के ऊपर जो है अल्कोहल हो। तो आम तौर पर अल्कोहल या सर्जिकल स्प्रिट रोगाणुनाशक होते हैं, ठीक, अर्थात इससे जो है रोग हमारे नष्ट होते हैं, कीटाणु नष्ट होते हैं। फिर आगे देखिए, किस पदार्थ के बनने के कारण चांदी की सतह खुले संपर्क में काली हो जाती है? तो देखिए, जो सिल्वर ब्रोमाइड है इसी के संपर्क में आने से जो चांदी की सतह होती है वो क्या हो जाती है, काली हो जाती है। वहीं आगे देखें तो किस यौगिक को कार्बनिक यौगिक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए यौगिक में किस तत्व का विद्यमान होना जरूरी है? तो कार्बनिक यौगिक की अगर बात की जाए तो कार्बनिक शब्द ही ऐसा है, अर्थात कार्बन का होना अति आवश्यक है। वहीं हम आगे देखें तो मई 2019 में किलोग्राम का 130 वर्षों में पहली बार फिर से परिभाषित किया गया है। जो पहले परिभाषा थी वो हमारी दूसरी थी, अब जो है 130 वर्षों के बाद मई 2019 में फिर से इसे परिभाषित किया गया, और अब किस पर परिभाषित किया गया है, तो अब हमारा जो है ये फ्लैंक कांस्टेंट स्थिरांक से परिभाषित किया गया है। तो देखिए ये लिखा हुआ है कि द किलोग्राम वाज रीडिफाइंड, मतलब पुनः उसे परिभाषित किया गया 130 वर्षों के बाद मई 2019 में, ठीक, और इसे क्या कहते हैं, इसे प्लैंक कांस्टेंट की प्रकृति से परिभाषित किया गया है। वहीं हम आगे देखें तो निम्नलिखित में से किस ईंधन में पेट्रोल के बराबर उष्ण शक्ति होती है? तो वो होती है हमारी किस में, मिट्टी के तेल में। मिट्टी के तेल में पेट्रोल के बराबर जो है ईंधन, मतलब पेट्रोल के बराबर उष्णता शक्ति की मान होती है। फिर देखिए, बीटा कण उत्सर्जन के दौरान परमाणु संख्या में होती है, क्या होती है? तो बीटा कण का जब उत्सर्जन होता है तो परमाणु संख्या में क्या होती है, एक की वृद्धि होती है, ठीक। फिर देखिए, प्रोटॉन नाभिक में रहता है जो इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा के साथ परमाणु से बाहर निकल जाता है, जिसे हम बीटा कण कहते हैं। जब नाभिक से एक बीटा कण उत्सर्जित होता है तो नाभिक में एक प्रोटॉन की वृद्धि और एक न्यूट्रॉन की कमी हो जाती है। इसका अर्थ है कि परमाणु द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है, मतलब चूंकि एक गया और एक आया तो जो परमाणु द्रव्यमान संख्या है वो क्या हो जाएगी, अपरिवर्तित हो जाएगी, और किसकी कितने की वृद्धि होगी, एक की वृद्धि होगी। फिर वहीं देखें कि निम्नलिखित में से किस कौन सी तरंग किरण उच्चतम आवृत्ति वाली तरंग किरण है? तो अगर हम उच्चतम आवृत्ति वाली बात करें तो जो हमारी गामा किरणें हैं, रेडियो एक्टिव किरणें हैं, और पराबैंगनी किरणें हैं, और सूक्ष्म किरणें हैं। तो इसमें जो हम उच्चतम आवृत्ति की बात करें तो वो हमारी कौन सी किरणें होंगी, गामा किरणें होंगी। आइए इसको विस्तार से देखते हैं। गामा रेज, जो गामा किरणें होती है वो हाईएस्ट एनर्जी की होती है, सबसे अधिक ऊर्जा वाली होती हैं, और शॉर्टेस्ट बेस वेवलेंथ, इसका जो तरंग दैर्ध्य होती है वो कम होती है, और इसीलिए इसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। वहीं रेडियो वेव की बात करें तो ये जो है लोवेस्ट एनर्जी अर्थात कम ऊर्जा वाली होती है, और इसकी वेवलेंथ लंबी होती है, इसीलिए इसकी आवृत्ति भी क्या होगी, छोटी होगी। वहीं आगे देखें, भारत की जो अस्त्र मिसाइल है वो एक प्रकार की मिसाइल है। तो अस्त्र, देखिए अस्त्र से जो है जो युद्ध होता था, हमारा रामायण में युद्ध हुआ था, रावण का युद्ध हुआ था, तो उसमें जो है अस्त्र चले थे, मतलब बाण पे बाण चले थे, और बाण या अस्त्र कैसे चलते हैं, वो सरफेस से एयर में चलते हैं। तो अस्त्र मिसाइल जो है वो किस तरह है, सरफेस टू एयर। ओ एक मिनट रुक जाइएगा, जो बाण हमारी चलती है वो कैसे चलते हैं, हवा से, हवा में चलते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एयर टू एयर हो जाएगा। देखिए, अस्त्र मिसाइल भारत की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, या पहली स्वदेशी तौर पर विकसित हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसकी रेंज 70 किलोमीटर और 4.5 मच की गति में पेलोड क्षमता 15 किलो है। यह इलेक्ट्रिक काउंटर मेसर्स तकनीक के साथ सक्षम है। यह लॉक ऑन बिफोर लॉन्च और लॉक ऑन आफ्टर
लॉन्च की दो अनूठी विशेषताओं से लैस है। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने ऑपरेशन मेघदूत संचालित किया था, तो जो ऑपरेशन मेघदूत संचालित किया गया था वो सियाचिन के लिए किया गया था। ऑपरेशन मेघदूत वायुसेना द्वारा 13 अप्रैल 1984 में किया गया था और यह ऑपरेशन कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए किया गया था। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और हमारे द स्पीड परिवार में जुड़ जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पर कमेंट करें, बताएं कि आपको कहाँ कमी लगी, क्या चीज़ हमने गलत की। आपका भाई हूँ इसलिए आप मेरा सपोर्ट करें, धन्यवाद। देखिए, जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है, तो जो जेलीफिश है वो हमारा, देखिए ऑप्शन दिया गया है, संघ प्रोटोजोआ, संघ टेनोफोरा, संघ पेरीफेरा, संघ नेडेरिया। तो जो हमारा पेरीफेरा है वो हमारा संघ नेडेरिया का प्राणी है। तो अगर हम देखें तो जेलीफिश नेडेरिया एक संघ का उदाहरण है। निंदकों में मूंगा, हाइड्रा, जेलीफिश, समुद्री एनिमोन, समुद्री पेन, समुद्री वीप और समुद्री प्रशंसक आदि शामिल हैं। उनके पास युक्तियों में तंबू कोशिकाएं जो शिकार को पकड़ने और वश में करने के लिए उपयोग की जाती हैं। वहीं आगे देखें तो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है, तो जो लाल रक्त कोशिका होती है हमारी वो अस्थि मज्जा के कारण होती है। तो वहीं देखें तो अस्थि मज्जा लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। इसमें स्टेम सेल होते हैं, इन कोशिकाओं में विकसित लाल रक्त कोशिकाएं जो आपके शरीर के माध्यम से ऑक्सीजन ले जाती हैं। सफ़ेद रक्त कोशिकाएं जो होती हैं वो संक्रमण से लड़ती हैं और प्लेटलेट्स जो होता है वो रक्त के थक्के के साथ मदद करते हैं। ठीक, और अगला और आखिरी क्वेश्चन देखेंगे कि 2015 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया था। तो ये क्वेश्चन देखिए एनटीपीसी में भी पूछा गया है, तो जितने भी क्वेश्चन हैं कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, अगर आप देखते हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था 2015 में वो सानिया मिर्जा को मिला था। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देखिए हर खेल में उत्कृष्टता को पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए दिया जाता है। पुरस्कार दिए जाने वाले वर्ष से ठीक 4 वर्ष पहले की अवधि में यह पुरस्कार किसी खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। वर्ष 2015 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सानिया मिर्जा को दिया गया था। ठीक, तो देखिए जो हमारी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की आर के वाई सर के द्वारा, इसको भी जरूर देखिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। वहीं अगर हम सीटेट की बात करें तो सीटेट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, इसको भी आप देख सकते हैं। और डिस्काउंट चल रहा है मैथ में, इसको भी आप देख सकते हैं। प्रॉफिट लॉस अभी ख़त्म हुआ है, तो आप अगर चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाइए तो वहाँ पर आप बेसिक से लेकर के एडवांस तक जो है सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।